नमस्ते युवर फ्रेंड साड़ी गोपाल सारार मैडम ने बेंगलुरु से अंडमान घुमाया घूमने आया था। मैंने बहुत बड़े तरह से इनको सब कुछ अरेंज करके दिया। मैडम मेरे बारे में फीडबैक दे रहे हैं। गोपाल भाई, फर्स्ट थैंक यू, आपको आप इतना अच्छे से अरेंज किया सब कुछ। मुझे गोपाल भैया का नंबर यहाँ जो होम स्टे है जहाँ पे हम रुके थे वहाँ से मिला और हमने उनको कांटेक्ट किया। बस उनको कांटेक्ट करने की देरी थी और उन्होंने सब अरेंज किया, एकदम स्मूथ अरेंज किया हम लोग के लिए। जैसे ही हम लोग लैंड हुए पोर्ट ब्लेयर में, वैसे वहाँ से रिक्शा से लेके नॉटिका की जेटी, फिर वहाँ से हैवलॉक, हैवलॉक में भी उनके बंदे थे जो पोर्ट पे हमको लेने आए थे, तो कोई भी बीच में दिक्कत नहीं हुई, किसी को बार बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और एकदम स्मूथली वो होटल पे गए। वहाँ से हमारे लिए स्कूबा डाइविंग और ये सब अरेंज किया। फिर वहाँ से हम लोग नील गए, नील में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी और नील में जैसे ही पहुँचे, वैसे गोपाल भैया के कांटेक्ट ने हमको वहाँ पे रुके हुए थे क्योंकि हमको रेंज नहीं था तो हमें टेंशन हो गया, बट वो लोग वहाँ पे ना हमारा नेम प्लेट लेके घूम रुके हुए थे, तो बहुत ही स्मूथली सब एक्टिविटीज़ वहाँ पे भी हुए। उन्होंने लोकली भी हमको वहाँ पे गोपाल भैया के लोगों ने गाइड किया ताकि हमें राइट कांटेक्ट मिले। फिर वहाँ से हम वापस पोर्ट ब्लेयर आए, हमें रॉस आइलैंड जाना था तो वहाँ पे भी हम लोग वहाँ के टिकट्स लास्ट मोमेंट पे अरेंज करे और फिर उसके बाद हम वहाँ से वापस आके फिर हम लोग बाराटांग आइलैंड गए। बाराटांग में एक्सीलेंट अरेंजमेंट था जिसमें उनके ड्राइवर, उन्होंने जो गाड़ी अरेंज करी थी उन्होंने हमको बहुत अच्छी तरीके से लोकली घुमाने का अरेंजमेंट किया। फिर हम लोग जहाँ पे हम लोग पैरेट आइलैंड भी गए थे वहाँ पे और हमें ट्राइबल्स भी दिखे विच वाज वेरी एक्साइटिंग। और आप लोगों को तो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, चाहे लोग बोलेंगे कि वहाँ पैरेट है नहीं है, बट वो एंटायर एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग। सो और फिर अभी हम वापस पोर्ट ब्लेयर आए हैं और अभी जाने तक गोपाल भैया ने सब कुछ हमारे लिए अरेंज किया। सो थैंक यू गोपाल भैया, बिग थम्स अप। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू बाय।